हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ YouTube के एक नए फीचर्स के बारे में कि जब भी हम YouTube ओपन करते हैं तो उसका उसमें जो वीडियो होते हैं वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा डाटा भी फालतू में खर्च होता है। जो वीडियो हम नहीं देखना चाहते, नहीं प्ले करना चाहते, वो भी वीडियो प्ले हो जाता है। तो इस ऑटो प्ले फीचर्स को कैसे बंद करना है, वही मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने YouTube को ओपन करते हैं। तो हमने अपना YouTube यहाँ पे ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो गया है, जो कि मैं इसको प्ले नहीं करना चाहता हूँ। इसको स्क्रॉल करते हैं, दूसरा वीडियो आता है, वो भी ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। तो इसको हम कैसे बंद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में आप लोगों से बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका चैनल का जो लोगो है, आपको इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक जनरल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली इस जनरल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, प्ले बैक इन फीड। तो सिंपली आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑन है, और ये ऑलवेज ऑन है तभी ये वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। अगर वाईफाई ओनली पे हम इसको क्लिक कर देंगे तो जब भी हम अपना मोबाइल जो है किसी वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो हमारा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होगा, और जब हम ऑफ़ कर देंगे तो किसी भी कंडीशन में हमारा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। जब हम इसको प्ले करेंगे तभी प्ले होगा। तो हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ऑफ कर दिया। इसको ऑफ़ करने के बाद आपको डाटा कैसे सेव करना है वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सिंपली आपको एक बार बैक कर देना है, और बैक करने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा सेविंग का। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर देना है। मेरा पहले से ऑन है, तो आप अपना चेक कर लीजिए, आपका ऑफ हो सकता है। तो अगर आपका ऑफ है तो आप इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। ऑन कर देंगे तो आपका डाटा जो है कम से कम यूट्यूब में खर्च होगा। उसके बाद दोस्तों, हम बैक करके चेक करते हैं कि हमारा वीडियो जो है ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है कि नहीं। तो मैं जो है यहाँ पे यूट्यूब पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। अगले वीडियो में जा रहा हूँ तो मेरा ये भी वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है मेरा ख़त्म हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी अपने इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के और वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, आज का बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।